What is up guys, welcome back to another video. My name is Hassan and you are watching TechiZoid's YouTube channel. तो guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस ग्राफिक कार्ड की, वो है NVIDIA GT640. तो सबसे पहले बात कर लेंगे अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो ये कार्ड 2GB DDR3 मेमोरी के साथ आता है और ये कार्ड की जो प्राइस है वो आपको ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 8-9K का मिल जाता है. अगर हम बात कर लें बाकी कार्ड्स की, तो 750 Ti जो इस टाइम है वो ओपन मार्केट में 20-22K के अराउंड मिलता है, विच इज़ क्वाइट ओवर प्राइस्ड बिकॉज कैल्पर्स और माइनर्स जो है उन्होंने काफ़ी मुश्किल कर दी है नॉर्मल गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड खरीदना. तो आज हम देखेंगे कि ये कार्ड इस प्राइस में कितनी वायबल ऑप्शन है और हमें AAA टाइटल्स या नॉर्मल टाइटल्स पे क्या हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है. खैर, मेरी एक्सपेक्टेशन इस कार्ड से इतनी कुछ हाई नहीं है क्योंकि ये जो कार्ड है ये 2012 में लॉन्च हुआ था और अभी हम 2022 में, तो एक हिसाब से 10 साल हो गए इस कार्ड को आए हुए. तो लेट्स सी हमें कैसी परफॉर्मेंस देता है गेम में. सो लेट्स फाइंड आउट. तो गाइस, एज यू कैन सी, मैंने जो अपना GPU है उसको कंप्यूटर के अंदर प्लग कर दिया. ये यहाँ पे शो कर रहा है NVIDIA GeForce GT640 DDR3 मेमोरी 2GB और 128 bits, और इसको मैंने पेयर किया i7-2600 प्रोसेसर के साथ जो क्लॉक्ड है 3.4 GHz पे और 8GB की मेमोरी के साथ. तो हम अपने सारे टेस्ट जो है वो इन स्पेक्स पे रन करेंगे, जितनी भी गेम में हम टेस्ट करेंगे वो इन स्पेक्स पे रन हो रही होंगी. तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर इस कार्ड ने मेरे सिस्टम पे परफॉर्मेंस दिया तो आपके सिस्टम पे वही परफॉर्मेंस दे. हो सकता है आपका CPU मेरे से अच्छा हो या आपका CPU इससे ज़रा थोड़ा सा लो एंड हो, तो जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करेगी हर सिस्टम के ऊपर. तो अब चलते हैं हम अपने बेंचमार्क्स की तरफ. ऑलराइट गाइस, तो जो पहली गेम हम यहाँ पे खेल रहे हैं वो है वैलोरेंट. अच्छा, मुझे ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलनी आती टू बी ऑनेस्ट. आई एम नॉट गुड एट दिस गेम, बट क्योंकि ऑडियंस को ये गेम पसंद है तो इसलिए हम ये खेलेंगे और देखेंगे कि क्या सीन बनता है. ओह नाइस, आई गॉट अ किल. और यहाँ पर क्या हो रहा है, आई रियली डोंट नो हाउ टू प्ले दिस गेम. सी से क्या होगा, लेकिन हमें ये गेम 120 FPS दे रही है 720p सेटिंग्स पे. ओह नाइस, आई हैव एनिमी देयर. आई रीलोड, फक, आई डेड. सो खैर, आई एम नॉट गुड एट दिस गेम बट इट्स क्वाइट प्लेबल. 150 FPS, आई डोंट नो इफ इट्स नॉर्मल इन वैलोरेंट बिकॉज मैं गेम खेलता नहीं, लेकिन गेम काफ़ी स्मूथ चल रही है और प्लेबल है. शायद जो इसकी स्ट्रीम है वो थोड़ी सी लैगी हो जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो ग्राफिक कार्ड है उसका काफ़ी लोड होता है जब आप मतलब एक साथ ही गेम खेल भी रहे होते हो और रिकॉर्ड भी कर रहे होते हो. एक्चुअली इतना हाई एंड कार्ड नहीं है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कर सके, लेकिन गेम मेरे कंप्यूटर पे तो काफ़ी स्मूथ चल रही है फिलहाल. ऑलराइट गाइस, सो द नेक्स्ट गेम वी आर प्लेइंग इज कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2. इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स एंड इट इज़ रनिंग एट 60 FPS अगेन. ये मैं 1080p पे भी खेल सकता था, लेकिन जो रिकॉर्डर था वो काफ़ी लैग कर रहा था, तो मैंने भी इसको फिलहाल 720p पे ऑन किया. 1080p पे जो FPS थे वो अबाउट 40s to 60s में रहते थे, और 40s तक डिप होते थे लेकिन मोस्टली 60s तक रहते थे. लेकिन 720 पे गेम ऑलमोस्ट 60 FPS पे लॉक्ड है, तो इट इज़ प्रिटी इंजॉयबल ऑन दिस कार्ड. और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट गेम्स में से एक है, तो आई प्रिटी मच लव दिस गेम. और हालांकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी सारी रेंडरिंग और काफ़ी कुछ एक साथ ही मतलब गेम में हो रहा है, तो कार्ड उस हिसाब से काफ़ी मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है. सो आई कंसिडर दिस प्रिटी प्लेबल. तो या राइट गाइस, सो अप नेक्स्ट वी हैव काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम्स इन पाकिस्तान एंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स. सो ऑन दिस ग्राफिक्स कार्ड इट्स अबाउट ऑन 60 FPS अगेन. इट्स 720p मीडियम सेटिंग्स, और मैं कहूँगा कि गेम प्लेबल है बल्कि इंजॉयबल भी है. लेट्स किल दिस चिकन, डाई चिकन. तो खैर, ये अगर आप काउंटर स्ट्राइक खेलना चाहते हैं, व्हाट द फक इज ही डूइंग, अगर आप काउंटर स्ट्राइक खेलना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड ज़रूर खरीदना चाहिए, टोटली रिकमेंडेड. और ये गेम इस तरह की है, मैं कहूँगा कि इसमें आपके पास जितने भी FPS हों वो कम है, तो इसमें तो 200-300 FPS पे भी लोग कह रहे होते हैं कि FPS नहीं ठीक आ रहा, तो वो ये सीन होता है इस गेम में. लेकिन खैर, नो स्कोप. सो गाइस, जैसा कि आपने बेंचमार्क्स देखे होंगे और इस कार्ड की परफॉर्मेंस आपने देखी है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो इस कार्ड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया मेरे हिसाब से. लाइक 2012 का कार्ड है और आपको ये 8-10 हज़ार के राउंड मिल जाता है, और ये इतने डिसेंट FPS दे रहा है गेम्स के अंदर, लाइक इट्स अमेजिंग गाइस. लेकिन अगर आप 1080p पे गेम्स इन्जॉय करना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि आप 1080p 60fps पे अपनी गेम्स विदाउट लैग एंजॉय करें तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, आपको 1050Ti या बैटरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं, आपने फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड कर लिया है, या अगर आपके पास एक नॉर्मल सा पीसी है और आप एक ग्राफिक कार्ड उसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं आज के मार्केट के हालात में, तो आप ये कार्ड ज़रूर ले सकते हैं। ये कार्ड आपको डिसेंट 720p गेमिंग करवाने का कैपेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।